हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि सैमसंग गैलेक्सी A15 5G फ़ोन में आप लोग कीबोर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास एक सैमसंग गैलेक्सी A15 5G फ़ोन है और इस फ़ोन में जो है आपको कीबोर्ड प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, मतलब आपका जो कीबोर्ड है गाइस वो किसी भी सर्च बार पे क्लिक करते ही ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है गाइस। या आपके कीबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है गाइस, आपका कीबोर्ड जो है ऑटोमेटिकली जो है कभी कभी काम कर रहा है, या आपके कीबोर्ड में जो है कुछ जो है मिसिंग आपको देखने को मिल रहा है। तो कैसे आप लोग जो है कीबोर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो गाइस, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊँगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कीबोर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर से थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप्स का, तो इस ऐप्स पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर से जो है आपको एक ऑप्शन को ढूंढ लेना है गाइस जी बोर्ड का, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर से आपको एक जी बोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, आप लोग सर्च करके भी ढूंढ सकते हो या नॉर्मली ऐसे स्क्रॉल करके भी ढूंढ सकते हो। ढूंढने के बाद जी बोर्ड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज का, स्टोरेज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्लियर डाटा का ऑप्शन होगा, क्लियर डाटा पे क्लिक करेंगे। डिलीट का ऑप्शन आएगा, डिलीट पे क्लिक कर देंगे। और डिलीट पे क्लिक करते क्या होगा गाइस, आपका कीबोर्ड का जो भी डाटा कैची फाइल्स वगैरह होगा वो डिलीट हो जाएगा, जो सेटिंग्स वगैरह होंगे वो रीसेट हो जाएंगे और आपका कीबोर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो है आप लोग अपने सैमसंग गैलेक्सी A15 5G फ़ोन में कीबोर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।